जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीशी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। नमस्कार, आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नीलम अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे पत्र आए हैं जो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में। क्या बताएंगे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का क्या मतलब है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है कि ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बनना। जब फॉलिकल बनता है तो वो मैच्योर नहीं होता और एक साथ कई सारे एग बन जाते हैं जो कि छोटे छोटे रहते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते। उन्हीं को, जो बाद में सिस्ट बन जाते हैं, उन्हीं को पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहा जाता है। डॉक्टर साहब, कैसे पता चलता है कि पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवरी से पीड़ित है? क्या इसका कोई टेस्ट कराना पड़ता है? इसमें पेशेंट को पीरियड इरेगुलर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महीने में 2-3 बार पीरियड हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि पीरियड दो तीन महीने तक या 4 महीने तक भी पीरियड नहीं होता है। किसी पेशेंट को ऐसा भी होता है कि जब तक हार्मोन्स की मेडिसिन नहीं लेते तब तक पीरियड होता ही नहीं है। इसमें हम एक टेस्ट कराते हैं जिसे फॉलिकल स्टडी कहते हैं। ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है। ये पीरियड के 10वें दिन से कराया जाता है, जिसमें कि देखा जाता है कि फॉलिकल्स बन रहे हैं और किस तरह से मैच्योर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो महीने के 10वें दिन से ये कराते हैं, फिर 12वें 14वें या जल्दी डेवलप हो रहे हैं तो रोज इस टेस्ट को कराते हैं, अल्ट्रासाउंड से देखते हैं उसको। और इसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस भी देखी जाती है कि एंडोमेट्रियम किस तरह से बढ़ रही है। जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और सही तरह से डेवलप हो रहे होते हैं और रेप्चर हो जाते हैं, वही टाइम कंसेप्शन का होता है। डॉक्टर नीलम जी, इस डिजीज के आयुर्वेद में क्या इलाज है? आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनसे कि एग बन सकता है। इसमें रस औषधियां बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं, बशर्ते वो अच्छी तरह से बनाई गई हों। क्योंकि आयुर्वेद में रस औषधियों में भस्मों का समावेश होता है जिनका कि शोधन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। अगर उनका शोधन अच्छी तरह से ना किया गया हो तो उसमें टॉक्सिसिटी रह जाती है और जिसकी वजह से ये औषधियां लाभ करने के बजाय बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। जैसे इसमें पुष्प धनवा रस का मतलब ही ये है कि एग को धारण कराने वाला रस। इसमें कई तरह की भस्में होती हैं, जैसे लोह भस्म है, ताम्र भस्म है, अभ्रक भस्म है, नाग भस्म है और वंग भस्म है। इसमें ये सारी भस्में हैं। जड़ी बूटियों के रस की इसमें भावना दी जाती है, जो कि मतलब स्वरस हमें ताजा निकालना पड़ता है और उसकी भावना दे करके इसमें और शक्ति आती है। अगर हम सही तरह से, सही रस से इनकी और पूरी मेहनत से इनकी घुटाई करते हैं, इनका मर्दन करते हैं, तो ये औषधियां और पूरा टाइम इसमें लगाते हैं तो ये औषधियां बहुत चमत्कारिक सिद्ध हुई हैं। आज के समय में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इसमें रिजल्ट हमें फौरन पता लग जाते हैं कि जब हम ये औषधियां देते हैं तो उस समय हम फॉलिकल स्टडी कराते रहते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि ये औषधियां किस तरह से काम कर रही हैं। इसमें इसकी इसके साथ साथ और भी बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे कामनी कुलमंडल रस, पूर्ण चंद्र रस का मतलब ये है कि व्रत पूर्ण चंद्र रस की मतलब चंद्रमा को पूर्ण बनाने वाला, मतलब एग को मैच्योर करने वाला रस है ये। कामनी कुलमंडल रस है और गर्भपाल रस है, नृपति वल्लभ रस है, एक अश्वकंचुकी रस है। इनके साथ ये दवाइयां सही तरह से शास्त्रोक्त विधि से बनी हुई है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि सही अनुपान से ली जाए।
जैसे अश्वकंचुकी रस है, तो ये अगर हम जिया पोता जिसे पुत्री जीवक कहते हैं, इसके रस के साथ अगर ये अश्वकंचुकी रस देते हैं तो इसमें मतलब एग बनने के लिए, इसमें एग सही तरह से बनता है, सही तरह से मैच्योर होता है और सही समय पर रैप्चर होता है। ये एक चमत्कारिक औषधि है। और इसी रस को अगर हम, एक औषधि है शतावरी, उसके रस के साथ अगर हम दें तो ये जेंट्स में जिसमें कि ओलिगोस्पर्मिया होता है, जैसे स्पर्म्स कम होते हैं, उसमें काम करता है। ऐसे ही नृपति वल्लभ रस है, गर्भपाल रस है, गर्भपाल रस को भी इसी कॉम्बिनेशन के रूप में और सही अनुपान के साथ अगर दिया जाए तो ये औषधियां बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं और एक तरह से चमत्कारिक औषधियां हैं ये इस बीमारी में। डॉक्टर नीलम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अगर आपकी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र व्यवहार का हमारा पता है। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है, योगाचार्य डॉक्टर अमृत राज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 01312622326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369, वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@readymail.com। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।